अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेहरान यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए आप अप्लाई किस तरह करेंगे, किस तरह फॉर्म फिल करेंगे। तो मेहरान यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो मेजर जो इसके स्टेप्स हैं वो 6 हैं और 7वां स्टेप भी ऑप्शनल अवेलेबल है। तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है एडमिशन पोर्टल पे, रजिस्टर इन अकाउंट। उसके बाद आप चालान अपलोड करते हैं। चालान जो होता है वो आपका एंट्री टेस्ट का चालान होता है। उसके बाद आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं और फोर्थ स्टेप में आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। उसके बाद आप अपना जो प्रोफाइल पिक है, मेन आपकी जो तस्वीर होगी, फोटो, वो अपलोड करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद एंट्री टेस्ट होगी। उसके बाद एक ऑप्शनल स्टेप है कि आप सेल्फ फाइनेंस पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और किस तरह से हम चालान डाउनलोड करेंगे और किस तरह आफ्टर पेमेंट चालान वापस अपलोड करेंगे पोर्टल में। तो ये सारे स्टेप प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे अब आ चुके हैं। कोई भी आप ब्राउजर ओपन करें और ब्राउजर में जो एड्रेस है वो आपको लिखना होगा ug.edu.pk। तो ug.edu.pk लेके एंटर करेंगे तो आप मेहरान यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की वेबसाइट है वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप लॉगिन हो सकते हैं, या फिर अगर आपने लास्ट ईयर फॉर्म फिल किया था तो आपका अकाउंट पहले से मौजूद होगा तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप अपनी ईमेल और पासवर्ड लगा के लॉगिन हो सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके अलावा लेफ्ट पे कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, गाइडलाइंस हैं, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो आप पहले यहाँ जाके चेक कर लें। हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया हुआ है, जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके लिए नया टिकट ओपन हो सकता है। और अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, जब हम हेल्प डेस्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओपन न्यू टिकट है और यहाँ पे चेक टिकट स्टेटस। तो यहाँ आप उनको कोई भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से रिलेवेंट, एडमिशन पोर्टल है, सेल्फ फाइनेंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में और मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। तो ये तमाम तरह आप यहाँ पे ज़रूर देख लिया करें बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम ये वापस आते हैं और यहाँ पे हम अब अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो। इसके अलावा ये देखिए, ये जो भी प्रोसीजर, इसको फॉलो करने से पहले गाइडलाइंस भी ज़रूर पढ़ लिया करें। तो जब हम गाइडलाइंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें 6-7 पॉइंट्स हैं, और ये जो 6-7 पॉइंट्स हैं उन तमाम तरह चीज़ों से रिलेटेड है जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि 6 मेजर स्टेप्स होते हैं। तो पहले प्रॉस्पेक्टस पढ़ लें, admission.mute.edu.pk पे मौजूद है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा ug.admissions.mute.edu.pk पे, जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंट क्रिएट होने के बाद लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना होगा, बैंक चालान डाउनलोड करना होगा, और 4,900 रुपये का बैंक चालान होगा, वो आप HBL की किसी भी ब्रांच में पे करेंगे। उसके बाद आप स्टैम्प्ड जो होगा यानी पेड चालान वो वापस अपलोड करेंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, अपनी पिक अपलोड करेंगे, ठीक है, और कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड करेंगे, और सेल्फ फाइनेंस से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड करने पड़ेंगे स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो फोटो है वो अपलोड करना है, तो ये उसकी गाइडलाइंस यहाँ मौजूद है। तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो उसके बाद जो आपकी टेस्ट होगी उसके लिए एडमिट कार्ड आपके पोर्टल पे आ जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। तो जब वो आपके पास आ जाए, तो जब आपकी प्रिंट टेस्ट अनाउंस होगी तो उस दिन जब आप आएंगे तो नोट कर लें कि आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना CNIC या फॉर्म, जिसे हम फॉर्म बी कहते हैं, वो ज़रूर लाना है, ठीक है। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। उसके बाद अब हम वापस आते हैं और अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट इन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम देना है, ठीक है। नाम देने के अलावा अपना जो है फादर नेम देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल देना है, यहाँ पे आपका CNIC या फॉर्म बी जो नंबर होगा वो देंगे। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चूज करेंगे, उसी पासवर्ड को दोबारा टाइप करेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है तो मैं फिल कर लेता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर दी। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे मैं क्लिक करूँगा और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हम।
तो देखिए अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा तो आप वापस इसी वेब पोर्टल पे आएंगे, ugadmission.mu.edu.pk, और जो आपने ईमेल दिया था और जो आपने पासवर्ड दिया था तो ऊपर ईमेल लिखेंगे यहाँ पे, और पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा तो ये आपका माय डैशबोर्ड नजर आएगा, यहाँ पे राइट साइड पे लॉगआउट का बटन है और डैशबोर्ड पे ये सारे स्टेप्स जो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ दोबारा देखिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप जैसे डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे प्लीज क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म में, जब क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड की हुई है। तो अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड की होगी तो वो यहाँ शो होगी, अदरवाइज ये देखिए अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक ऐड नहीं की। तो जैसे जैसे हम इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो रही होगी। और यहाँ पे देखिए स्टेटस आ रहा है आपका कि चालान इन्फॉर्मेशन, तो क्या आपने चालान इन्फॉर्मेशन अपलोड की है, अगर होगी तो यहाँ नजर आएगी। ठीक है, अगर आपने चालान पे किया है और अभी अपलोड करना चाहते हैं तो क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ये स्टेप्स नजर आ रहे हैं। तो हम स्टेप वन पे हैं अभी, प्रिंट अपलोड चालान, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपको जो भी फीस पे करनी है तो उसके लिए डेडलाइन है 10 मई 2024, और फंड ट्रांसफर नहीं करने आपको, यानी आपको पे करना है बैंक में चालान और वही आके यहाँ पे फिर अपलोड करना है। ठीक है ना, यूज ओनली HBL ब्रांच, HBL मोबाइल ऐप या फिर HBL इंटरनेट बैंकिंग, ये तीन मेथड्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो चालान कैसे डाउनलोड करें, तो हम प्रिंट फ्रेश रजिस्ट्रेशन न्यू बैंक चालान यहाँ क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में आप देखिए आपका चालान जो है सामने स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। अब इस चालान को आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप पे करेंगे, और पे करने के बाद जब वापस आप इस पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ के आप उसे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने का जो तरीकेकार होगा वो क्या होगा कि आप यहाँ पे आएँ और एडमिशन फॉर्म या डैशबोर्ड पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे ये थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें ये क्लिक टू अपलोड चालान। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो पहले आपको ये चालान पे करना है, उसके बाद आके यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप टू होगा जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, उसके बाद आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगी, उसके बाद आपको प्रोफाइल पिक अपलोड करना होगी और डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके वो अपलोड करेंगे। ठीक है, और अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जाना चाह रहे हैं तो आप सेल्फ फाइनेंस वाली टेप को भी यूज़ करेंगे। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी वो मैंने दे दी है आपको। बहुत ही आसान और ये जो पोर्टल बना है बहुत ही ईजी है यूज़ करने में, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है, कोई क्यूरी है आपकी कहीं पे, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप कमेंट्स में जैसे ही बताएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं फिर एक और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल और यूजफुल वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।